राज बब्बर जी, आफताब अहमद जी, जितेंद्र भारद्वाज जी स्टेज पे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के टाइगर्स, शेर और शेरनिया, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आपका मूड कैसा है आज? सुनाई नहीं दिया, कैसा है मूड? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है ना, जो यहां पे आज हजारों खड़े हुए हैं, अच्छा सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना, अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत को नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है। और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली पूरे देश में। ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है, और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है। भाई और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, नेशनल लेवल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, यह लड़ाई है। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में हरियाणा के युवा मुझसे मिले। पहले उन्होंने मैसेज दिया, राहुल जी आप अमेरिका आए हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हो? कहते हैं राहुल जी हम आपको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। हरियाणा के लोग डैलस में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं। डैलस में मैं 20-25 हरियाणा के युवाओं से मिला और उन्होंने मुझे बताया, राहुल जी हम भाग कर
हरियाणा से भागकर अमेरिका आए हैं। आप क्यों गए? क्योंकि हरियाणा में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हरियाणा में महंगाई की इतनी चोट है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविष्य हरियाणा में नहीं बन सकता, इसलिए हम अमेरिका आए हैं। आप अमेरिका कैसे गए? 50 लाख रुपए कर्जा लेकर, खेत बेचकर हम अमेरिका आए हैं। कैसे आए? पूरी दुनिया घूम कर गए। पहले हम इस्तांबुल गए, फिर कजाकिस्तान गए, फिर साउथ अमेरिका गए, इक्वाडोर गए, अलग अलग देशों में गए और अंत में पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए डूबते हुए देखा। माफियाओं ने हमें लूटा, हमारे मित्रों को गोली मारी। ये सब सहकर हम अमेरिका आए हैं क्योंकि अमेरिका में ही हमें रोजगार मिल सकता है। हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी इनकी सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है राहुल जी, यह सच्चाई है। आपको अगर हरियाणा में रोजगार चाहिए तो नहीं मिल सकता है। हरियाणा के युवाओं को सिर्फ अमेरिका में आज रोजगार मिल सकता है, हरियाणा में नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, मगर अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ये नहीं समझा सकते कि हरियाणा बेरोजगारी की लिस्ट में पहले नंबर पर उन्होंने कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। 20-25 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? गरीबों का कितना कर्जा माफ किया? नहीं। किसानों के लिए 3 कानून, काले कानून लाए, जमीन छीन लेते हैं, हम जमीन अधिकरण बिल लाए, उसको रद्द किया, आपका जो है वो छीन जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा 15-20 अरबपतियों को देते हैं। अमेरिका में युवाओं ने मुझे बताया, राहुल जी जब आप वापस जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए, जाके हमारे परिवारों को बताइए कि हरियाणा में हमारा फ्यूचर नहीं है मगर अमेरिका में हम सही हैं, हम सलामत हैं। आप जाके उनसे मिलिए, क्योंकि जब हम उनसे कहते हैं कि हम ठीक हैं तो हमारे परिवार के लोग मानते नहीं। सुबह सुबह मैं करनाल गया, उन्हीं युवाओं के परिवारों से मिला, उन्हें कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको मिलकर कहूं कि वो अमेरिका में ठीक है। परिवारों ने मुझे बताया, राहुल जी वो आपको बता रहे हैं कि वो ठीक है मगर सच्चाई है कि वो हमसे 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अगर वो अमेरिका से निकले तो अमेरिका वापस नहीं जा पाएंगे। राहुल जी सच्चाई है कि जब यहां किसी की मृत्यु होती है तो वो युवा अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाते हैं। और जब ये बात चल रही थी, एक बच्चा, देव नाम का बच्चा, चीखता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, वीडियो कॉल चल रही थी, एक तरफ उनके पिता, एक तरफ उनके परिवार, चीखता हुआ कहता है, पापा 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 वापस आओ। पापा उसको देखता है, मुस्कुराता है, दिल में दुख, आंखों में आंसू छुपे हुए, और पिता अपने बेटे से झूठ बोलता है, बेटा आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। ये बेरोजगारी का, महंगाई का हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें विकास का हरियाणा चाहिए, प्रगति का हरियाणा चाहिए। और देव जैसे जो हरियाणा में
लाखों बच्चे हैं, उनकी आंखों में हमें आंसू नहीं चाहिए, उनके चेहरे पर हमें मुस्कान चाहिए। यह हरियाणा हम चाहते हैं। तो हो क्या रहा है भाइयों और बहनों, आपका धन आपके जेबों में से निकाला जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, शिक्षा प्राइवेटाइज हो गई है, उसमें आप लाखों रुपए देते हो। स्वास्थ्य के लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अंबानी देता है, अदानी देता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। गरीब लोगों के जेब में से पैसा निकलता है, अमीर लोगों के जेब में जाता है और आपके जेब में पैसा नहीं आता है। इसीलिए हरियाणा की सरकार शुरुआत से ही गरीबों के जेब में पैसा डालने का काम शुरू करेगी। पहला काम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट 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 अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट खटाखट जेब के अंदर। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी, उसको हम फिर से लागू करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.